अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आपका आईबी किचन में वेलकम है। आज हम बनाएंगे छने हुए पराठे, जो लच्छेदार पराठे हुए भी होते हैं। इसके लिए हमने पेड़ा लिया है, इसको हम बेल लेंगे। ये बनाने से एक से डेढ़ घंटे पहले इसको बेलना शुरू करते हैं और मुस्तकिल इसको चेंज करते रहते हैं। ये देखिए, हम इसको बेल लेंगे, बेल कर इसको आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने रोटी की तरह इसको बेल लिया है। अब इस पर हम घी लगाएंगे। इस तरह से फैला लेंगे और एक परत यूँ कर लेंगे। फिर हम घी लगाएंगे, फिर एक परत यूँ कर लेंगे और फिर इसको एक यूँ, फिर घी। इसी तरह से आप इसकी परत पे परत बना लें और हल्का हल्का इसको 5 मिनट बाद इसको फिर हम बेलेंगे। फिर हम घी लगा के इसमें खुश्की का भी डालेंगे। इसी तरह से हम सारे पेड़े बना लेंगे और एक से डेढ़ घंटे के अंदर आप 3 से 4 दफ़ा इसी तरह से करिए। घी खुश्की, घी खुश्की। अभी पहले परत में खुश्की मत लगाइए, सिर्फ घी लगाइए। इसी तरह से करते ही उसके आपको बताते हैं। ये 1 से 1.5 घंटे पहले बनाए जाते हैं पराठे। ये देखिए, हमने 5 मिनट हो गए, 5 मिनट उसको फिर हल्का सा बेल कर घी लगा दिया। अब इसमें खुश्की डालेंगे और इस तरह से फिर कर लेंगे। फिर हम घी लगाएंगे और फिर खुश्की लगाएंगे। इसी तरह से फिर दोबारा से घी, इसी तरह से हम सारी परत बना लेंगे, खुश्की घी, खुश्की घी। और इसको फिर डीप फ्राई करेंगे 1 से 1.5 घंटे पहले। इसलिए इसके पेड़ बनाने पड़ते हैं कि ये अच्छी तरह से, जो ये परत पर परत बनते रहती है ना, बार बार बनाते रहते हैं, इससे बहुत ज़बरदस्त और वो अच्छा बन जाता है। इसको बनाकर बाहर भी आप रख सकते हैं, अगर गर्मी ज़्यादा है तो फ्रिज में या डिफ्रीज़र में ठंडी जगह पर रख लीजिए और निकाल निकाल कर इसी तरह से परत का करते रहिए। ये देखिए, कितनी सारी परत बन गई। इसी तरह से 2-3 दफ़ा परत आप बना लीजिए, बहुत मज़ेदार ये पराठे बनेंगे। हमने इसी तरह से बना बना कर, ये देखिए, हमने सारे पेड़े रख दिए हैं और भी मज़ीद बने हुए। इसी तरह से फिर अब हम आपको तलते हुए दिखाएंगे। ये देखिए, हमने ऑयल गर्म करने चढ़ा दिया है। अब हम पूरी बेल कर इसमें डालेंगे। ये देखिए, हम हाथ से इसको करते जा रहे हैं। इसे देखिए, अंदर की वो जो है परत सब हो जाएंगी। इस तरह से करके फिर हम इसको बीच में से काटेंगे। ये देखिए, हम इसको बीच में से कट कर लें। अगर 4 पीसेस में कर लें तो 4 पीसेस में करें, 2 पीसेस में करें 2 पीसेस में कर लें। मैं आपको 4 पीसेस में भी करके दिखाती हूँ। इस तरह से अब इसको हम तलेंगे। ये देखिए, इसको हल्के हल्के आँच से यूँ करते रहें, देखिए फूलना शुरू हो जाएगी। ये देखिए फूल रही है और ये देखिए कैसे इसके, ये आप यहाँ से देखिए परत कैसे खुल रही है। ये देखिए परत कैसे कैसे खुल रही है इसकी। जो शादियों में मिलते हैं पूरियाँ, ये वैसी पूरियाँ बनती हैं। आप चाहे तो पूरी एक साथ करें या बीच में से 2 कर लें या 4 पीसेस कर लें, बिल्कुल ये शादी वाली कबाब पराठे वाली पूरियाँ बनती हैं। ये होती ही वही है। इसी तरह से हम आपको सारी तल के दिखाते हैं। ये देखिए कैसी इसकी परत परत अलग बनी है। ये हमारी अब पूरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको टिक्के के साथ बिहारी बूटी के साथ जिसके साथ खाना है खाइए मज़े से। रेसिपी पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।